मुंबई पुलिस ने भेजा तीसरा बुलावा। क्या अर्णब गोस्वामी की तरह कंगना भी होंगी गिरफ्तार? क्या है ये पूरा माजरा? क्या है अर्णब और कंगना की गिरफ्तारी का कनेक्शन? अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई कंगना तो इन दिनों अपने होम टाउन में है और अपने भाई की शादी में खूब नाचती और गाती दिख रही है। अब भला ऐसा क्या हुआ कि कंगना को मुंबई पुलिस ने समन भेज दिया और अब क्या कंगना को भी अर्णब की तरह घर से जबरन उठा ले जा सकती है मुंबई पुलिस? तो सुनिए, दरअसल आपको बता दें कि दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में कंगना और उनकी बहन मंगोली के खिलाफ 17 अक्टूबर को FIR दर्ज कराई गई थी। बता दें आपको कि FIR मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दोनों बहनों के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और एक विशेष समुदाय से जुड़े लोगों को भड़काने का आरोप है। बता दें आपको ये शिकायत कास्टिंग निर्देशक और फिटनेस ट्रेनर मुनवर अली सैयद ने की थी। सैयद का कहना है, कंगना पिछले कुछ महीनों से लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर और टीवी इंटरव्यू के जरिए वो हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही है। सैयद ने आगे आरोप लगाया, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को बल्कि इंडस्ट्री के कई कलीग्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं। बता दें आपको कि इससे पहले कंगना को पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर और 3 नवंबर को समन भेजकर बुलाया गया था, लेकिन अपने भाई की शादी में मशहूर कंगना ने 15 नवंबर के बाद पूछताछ में पेश होने की बात कही थी और अब इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को 15 तारीख बीत जाने के बाद ठीक 3 दिन बाद तीसरा समन भेज दिया है और दोनों को 23 से 24 नवंबर को पूछताछ के लिए बांदा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कंगना इस तीसरे समन के आदेश को मानती है या पहले की तरह भेजे गए 2 समन की तरह इसे भी कोई जरूरी काम का हवाला देते हुए टाल देती है। एक और बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर कंगना इसी तरह से मुंबई पुलिस के आदेश को जरूरी काम का हवाला देते हुए टालती रही तो क्या उन्हें भी अर्णब गोस्वामी की तरह घर से जबरन गिरफ्तार या फिर पेशी के लिए ले जाया सकता है? ये तो 23 और 24 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब मुंबई पुलिस ने कंगना को 23 से 24 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। अगर इस दिन कंगना पेश नहीं होती तो ये देखना होगा कि फिर मुंबई पुलिस क्या कदम उठाती है। वेल, अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।